अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैं आया हूँ चंडीगढ़ और आपको यहाँ की एक स्पेशल चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, जो मेरे सामने ये है साइकिल बाईसाइकिल रोड। यहाँ पे साइकिल के लिए अलग से रोड बनाई है। ये जिस रोड पे चल रहा हूँ ना साइकिल के लिए, एक रोड इधर है और एक रोड इधर है हाईवे, और उधर ये है। यहाँ पे सभी दुकान एक मॉल के जैसे होती है। इनोसेंट बैंक किधर है, और यहाँ है इंडियन ऑयल, और वो जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये है कॉरपोरेशन हाउस, कॉरपोरेशन भवन। यहाँ का बस स्टॉप है। यहाँ का कितना प्यारा नज़ारा है, जगह जगह पर पार्क है बने हुए, देख सकते हो। उधर एक पार्क है बना हुआ मेरी साइड में, लेफ्ट साइड में, और ये देखो यहाँ पे जो आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ ना, ये साइकिल का बोर्ड है। कितना मज़ा आता है इधर सुबह सुबह। अभी का टाइम जो हो रहा है ना, तकरीबन 7:30 बज गए हैं। स्पेशल साइकिल रोड कच्चा कुत्ता, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड टेक्नोलॉजी। यह सेक्टर 27, चंडीगढ़ का सेक्टर 27 है मेरी इस साइड में। यहाँ पे ना पूरी जगह का नाम ना जो है एड्रेस वाइज नहीं होता, यहाँ पे सेक्टर के थ्रू ढूंढा जाता है। यहाँ पे बोर्ड लगा, साइन बोर्ड लगा है सेक्टर 27 का। चंडीगढ़ तो वैसे बहुत बड़ा है, मैं यहाँ सेक्टर 27 के पास में फ्रूट मंडी आया था अपना फ्रूट बेचने के लिए। तो रात का जागा हुआ हूँ, तकरीबन रात में चला था 10 बजे और पहुँचा था यहाँ पे 3 बजे, 3:30 बजे पहुँच गया था मंडी में। तब से भी सोने का टाइम नहीं मिला और मेरा जो है माल 5:30 बजे सुबह में बिक चुका है। और यहाँ पे कितना अच्छा है ना, एकदम ग्रीन सिटी है चंडीगढ़ को, आप ग्रीन सिटी भी बोल सकते हो। यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ है, इतने ज़्यादा जो है फ्लावर्स है हाईवे के बीच में, एकदम अमेजिंग लुक आता है इधर का। मेरे पास कोई साधन या कोई व्हीकल सवारी होता तो मैं अच्छे से वीडियो शूट करता था। ये भूजल भवन है, ये देखो दिख रहा है ना आपको भूजल भवन, ये भूजल भवन है। और मैं देखते हैं ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल वेदर इंस्टीट्यूट। देखो यहाँ पे हर चीज़ के लिए ना अलग अलग जो है बने हुए, देखो ये बना हुआ है यहाँ पे, माशाल्लाह इतना अच्छा है ना। ये AC बसें है, जैसे बैंगलोर में रहते बड़े जो है महानगरों में, जो इंडिया की बड़ी सिटीज़ है। अब मेरे को जाना पड़ेगा रोड से उस साइड, देखते हैं अगला सर्कल आएगा। हर सर्कल आपको ऐसे ही मिलेगा। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखो अभी साइकिल भी आगे इस रोड में, कितने रोड को यहाँ के कितने रूल्स फॉलो करते हैं ना बंदे, एकदम अच्छा दिखता है यहाँ। देखो आपको यहाँ का एक साइन और दिखाना चाहता हूँ, देखो ये मोटर वाहन वर्जित है, इस रोड के ऊपर जाना, कोई भी बड़ी वाहन को जाना आज्ञा नहीं है, किसी भी बड़े वाहन की जाना। और ये यहाँ पे आपको अगर सेक्टर ढूंढना हो ना तो यहाँ पे एक साइन इधर है और एक बड़ा साइन उधर है, आप देख सकते हो ना क्लियरली। तो आपको जिस सेक्टर में जाना है आप इसके फॉलो करो और अपने जो है लोकेशन पर आराम से पहुंच सकते हो, एकदम मस्त है ना। और जैसे कि चौक दिखा रहा हूँ ना आपको, सर्कल दिखा रहा हूँ, ये एकदम मस्त है यार। मैं तो ये सोचता हूँ कि इंडिया के अंदर ना सबसे ज़्यादा जो सर्कल आए गए, जो चौराया होता है जिसको हिंदी में चौराया बोलते हैं ना, वो चंडीगढ़ से ज़्यादा कहीं पर नहीं है।
लेफ्ट में गए तो तब सर्कल मिलेगा, राइट में गए तो तब सर्कल मिलेगा। मैं तो इंडिया के अंदर जितने भी शहर हैं ना, मुझे नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा सर्कल और यहाँ के चौक चौराहे किसी जो है स्टेट या शहर के अंदर हो। जो राजधानी है ये, इसको हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी कहा जाता है। मैं भी अंदर जाऊंगा पार्क के, ऐसे स्पीड में जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता अभी गिर जाता था। माशाल्लाह कितना अच्छा है ना, एक गार्डन की तरीके से बना देते हैं ये। और कल तो बारिश भी थी यहाँ पे बहुत, अभी भी पानी है, इतनी अच्छी घास है, एकदम मस्त। अब मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता, क्योंकि मेरे को ज़्यादा चलने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा भी करें ना। मोटर मैंने हेलमेट नहीं लगाया, पीछे वाले को हेलमेट पहना दिया।